दोस्तों बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2 में प्राइमरी टीचर क्लास 1 से 5 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। किस प्रकार से आपको जो है 1 से 5 के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन को करना है और पेमेंट को जमा करना है और फॉर्म को कैसे फिल करना है, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको जो है इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो देखिये, सबसे पहले क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, बीपीएससी की वेबसाइट पे, और यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ ओके करेंगे। ओके करते ही यहाँ पे आपको जो है इस तरह से जो है लॉगिन सेक्शन आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन का सेक्शन आ जाएगा। देखिए अभी तक जो है न्यू फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को शुरू नहीं किया गया है। मतलब ये कि 1 से 5 के लिए अगर कोई बंदा फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो यहाँ से जो है वो अभी अप्लाई का सेक्शन नहीं बना हुआ है। अभी आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जब आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे अभी कहीं पे भी आपको जो है 1 से 5 के लिए सेक्शन नहीं दिखेगा आपको आवेदन करने के लिए। लेकिन जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जो 6 से 12वीं तक की वैकेंसी चल रही है और वो इलिजिबल है 1 से 5 के लिए भी, तो वो अपना यूजर आईडी पासवर्ड लिख के लॉग इन करेंगे ना, तो उनके डैशबोर्ड पे इस प्रकार से देखिए आपका रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 1 से 5 के लिए यहाँ पे ऑप्शन शो होके आ रहे हैं। तो अभी जो लोग फ्रेश हैं बिल्कुल, वो अभी आवेदन थोड़ा वेट कर लीजिए, उनका अलग से जो है आएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। लेकिन अभी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और वो भी इलिजिबल है 1 से 5 के लिए, यानी जो 6 से 12 के लिए ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, फॉर्म भर लिए हैं, उनके लिए भी केवल जो है ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यानी सिर्फ अभी वही लोग जो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे लॉग इन करके, या जिन्होंने पहले कभी जो है बीपीएससी का फॉर्म भरा था टीचर फेज 1 का, वो भी अपना लॉग इन करके डैशबोर्ड पे जाके चेक कर सकते हैं। उनका पुराना वाला होगा ही, तो वो डैशबोर्ड पे जाएंगे, चेक करेंगे लॉग इन करके, तो शायद उनको मिलेगा 1 से 5 के लिए। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर आप पुराने फेज 1 के अभ्यर्थी हैं, 1 से 5 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो यूजर नेम पासवर्ड भर के और लॉग इन करके देखिए क्या आपका यहाँ पे सेक्शन शो हो रहा है क्या 1 से 5 के लिए फॉर्म भरने के लिए, ताकि हमें भी पता चले, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा ही दिया था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक यूजर नेम पासवर्ड जो जिन्होंने 6 से 8 के लिए फॉर्म भरा था, उनका मैं एक लॉगिन कर लेता हूं। आप भी यहां पे उसी तरह से करेंगे फिलहाल के लिए। अभी रजिस्ट्रेशन का जो है 1 से 5 के लिए फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए यहां पे ऑप्शन इनेबल नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो चलिए हम यहां लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, यहां पे देखिए आपका जो है इस तरह से आ जाएगा 1 से 5 के लिए आपका जो है रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन। आप क्या करेंगे, यहां पे रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 1 to 5 पे क्लिक करेंगे। जैसा आप इस पे क्लिक करेंगे, अब यहां पे देखिए आपका जो है टीआरई 2.0 शो करेगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर भी शो करेगा। यहाँ पे आपका ये प्रशैक्षणिक योग्यता रहेगा जो आपको ऑलरेडी टिक रहेगा, फिर आपका पात्रता परीक्षा भी यहाँ पे ऑलरेडी टिक रहेगा ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि इसमें से कौन आप पात्रता परीक्षा जो है किए हैं, सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 या दस्ता परीक्षा, तो ये तीनों के लिए सेम है टिक करने का ऑप्शन, तीनों में से आप वो चूज कर लेंगे। आपको करना ही करना है, ये तीनों टिक करना ही है, भले आप सीटेट पेपर 1 पास हो, बीटेट पेपर 1 पास हो, दस्ता परीक्षा पास हो। जो प्रारंभिक विद्या अध्यापक है पहले से, वो दस्ता परीक्षा के लिए होते हैं। अब यहाँ पे आपको जो सीटेट पास है तो सीटेट वाला, बीटेट पास है तो बीटेट वाला, और दस्ता परीक्षा पास है दस्ता परीक्षा वाला जानकारी यहाँ पे आपको देना है। तो उसका सर्टिफिकेट नंबर ले लीजिए, इशू डेट और यहाँ पे अपलोड पीडीएफ। अब यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि सर्टिफिकेट नंबर दें कि है या नहीं, तो क्या दें, तो यहाँ पे आप अपना जो है सीरियल नंबर यहाँ पे दे दीजिए, जो आपके मार्कशीट पे होगा। सीटेट वाले केस में आपका सीरियल नंबर होगा, वो जानकारी दे दीजिए, और पासिंग डेट आपको पता ही होगा, वो दे दीजिए, और यहाँ पे आपको जो है उसका पीडीएफ बना के यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपको आ रहा है कि क्लास 1 से 5 टीचर के लिए आप सब्जेक्ट का चुनाव करिए, तो यहाँ आप टिक करेंगे और यहाँ सब्जेक्ट का चुनाव कर लेंगे। यहाँ सामान्य है, बांग्ला, उर्दू, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे आप किस विषय के लिए एलिजिबल है। अगर आपको एलिजिबिलिटी जानना है तो इनके वेबसाइट पे जो है एलिजिबिलिटी के बारे में एक पीडीएफ यहाँ पे शेयर कर दिया गया है। यहाँ बीएड छोड़ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए जो है इन्होंने जो है 1 से 5 के अध्यापक के लिए 9431 पद है, जिसमें से आपका एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे सीटेट या बीटेट में अगर आपको छूट है तो कितना परसेंट छूट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एससी एसटी को, जो बिहार के निवासी है महिला उम्मीदवार को, और जो सामान्य कोटि के अभ्यर्थी, उनको 60% सीटेट में पास होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए दिया गया क्वालिफिकेशन, आप एक बार क्वालिफिकेशन को जरूर यहाँ से चेक करेंगे तब जाके आप फॉर्म को भरेंगे। चलिए तो हम यहाँ पे जो है देखिए यहीं पे नोटिस मिल जाएगा, 15/11 के डेट में ये नोटिस इन्होंने डाल दिया है। आप इंपोर्टेंट नोटिस यहाँ देख सकते हैं और यहाँ पे आपको ये नोटिस जो है देखने को मिलेगा। चलिए हम यहाँ पे जो है इसको भरते हैं और पीडीएफ को अटैच करते हैं, या 100 KB से कम पीडीएफ होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाता है क्लास 1 से 5 के लिए, और यहाँ सक्सेसफुली यहाँ दिखा देता है रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। यहाँ से आप क्लोज करेंगे और क्या करेंगे, क्लोज करने के बाद से आप आ जाएंगे लॉगिन वाले सेक्शन पे और यहाँ एक बार पेज को रिफ्रेश करेंगे, रीलोड करेंगे। देखिए रीलोड करते ही
यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर प्राइमरी पेमेंट का ऑप्शन आ गया, यानी अब आप यहाँ पे जो है क्लास एक से पांच के लिए पेमेंट को जमा करेंगे। अगर आपको रीलोड करने पे एक्सपायर हो जाता है सेशन, तो आप दोबारा लॉग इन करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको जो है ये ऑप्शन सेक्शन बन जाएगा, यानी पेमेंट करने के लिए। तो अब हम इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से आएगा, प्रोसीड करते हैं, ओके करेंगे। अब यहाँ पे हमको जो है अपना पेमेंट जमा करना होगा, तो 200 लग रहा है, मैंने एससी कैंडिडेट से फॉर्म भर रहे, तो अगर आप जनरल से रहते 750 रुपये एप्लीकेशन फी लगता, तो यहाँ पे आपको अलग से इसका जो है पेमेंट जमा करना होगा। और नेट बैंकिंग है, कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तमाम ऑप्शन है, इसमें से कोई भी ऑप्शन को चुनाव करके आप यहाँ पे पेमेंट को जमा करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो है सक्सेसफुली पेमेंट जमा कर दिया है एक से पांच के लिए। और यहाँ पे हम बैक टू डैशबोर्ड पे अब आ जाएंगे, यहाँ प्रिंट का भी ऑप्शन है, आप प्रिंट पे क्लिक करके इसको प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा, ये ऑनलाइन पेमेंट का जो है आपका रसीद है। अब यहाँ बैक टू डैशबोर्ड पे हम आ जाएंगे। बैक टू डैशबोर्ड पे आने के बाद से फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे जो है ये बदलाव हो गया, यहाँ पे अब बोल रहा है अब फिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म क्लास एक से पांच के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अब हमारा जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ देखिए खुल जाएगा, इस तरह से खुला। और यहाँ पे कैमरा अलाउ का ऑप्शन आपसे मांगेगा, मैंने ऑलरेडी पहले से फॉर्म भरा हुआ है कई सारे लोगों का, तो मैंने कैमरा यहाँ पे अलाउ करके रख दिया है, इसीलिए मेरा नहीं मांग रहा है। यहाँ पे देखिए कैमरा अलाउ का आएगा, आपको कैमरा यहाँ पे अलाउ कर देना है ताकि आपका कैमरा इनेबल हो जाए, और तुरंत अगर लैपटॉप से भर रहे हैं तो लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगा, अगर लाइट रहेगा। अब यहाँ पे आपकी सारी जानकारी शो होगी, रेशन कार्ड तक जो आपने जानकारी दिया है। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, और यहाँ पे नीचे आने के बाद से यहाँ आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपको जो है जो आपने चुनाव किया हुआ है एक से पांच के लिए, पात्रता परीक्षा, बीएड, या यहाँ पे देखिए वो सब ऑप्शंस आएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है, एक से पांच के लिए अपने विषय आपका चुनाव हो रहा है, यहाँ पे ये शो हो रहा है। इसकी वजह से उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान, बॉडी में क्या पहचान है ये आपको बताना है, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, ये बता देंगे। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन चुनाव करना है कि प्रशैक्षणिक और शैक्षणिक योग्यता में आपने क्या किया हुआ है, तो ये भी आपको चुनाव करना है। जैसे यहाँ देखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष डिप्लोमा, यानी इंटरमीडिएट 50% के साथ, और जो है आपको डीएलएड या बीटीसी जो होता है 2 वर्ष वाला, वो आप किए हैं तो इसको चुनाव करेंगे। जैसे आप इसको चुनाव करेंगे तो इंटरमीडिएट का सब्जेक्ट मांगेगा, पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट का नाम, बोर्ड का नाम, कितना में कितना मार्क्स मिला हुआ है, परसेंटेज यहाँ लिखना है, और उसके जो है यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यानी आप यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट या मार्कशीट, मार्कशीट यहाँ अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, कुछ ऐसा नहीं लिखा कि सर्टिफिकेट अपलोड करना है या मार्कशीट अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप मार्कशीट को अटैच कर देंगे, जो 100 KB से कम होना चाहिए। फिर उसी तरह से यहाँ पे आपको देखिए जो डीएलएड या बीटीसी जो भी आपने किया 2 वर्ष वाला, उसका जो है सब्जेक्ट, फिर पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट का नाम, बोर्ड का नाम, कितना में कितना मार्क्स मिला हुआ है, परसेंटेज यहाँ पे आपको बता देना है, और उसका जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट यानी सॉरी डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अटैच कर देना है। तो उसका मार्कशीट आप यहाँ पे लास्ट ईयर वाला जो होता है जिसमें फाइनल होता है वो वाला आप यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो इस तरह से भरेंगे। अगर आप यहाँ पे और कोई ऑप्शन चुनाव करते हैं, जैसे यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चुनाव करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन आएगा, देख रहे हैं ना। अगर आप नीचे वाला ऑप्शन चुनाव करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए बीएलएड का आएगा, 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में बीएलएड। ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो यहाँ पे विशेष शिक्षा 2 वर्ष वाला होता है वो आप चुनाव करेंगे। इसके बाद एक और नीचे है स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ग्रेजुएशन के साथ साथ डीएलएड किए हैं, वो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन का जानकारी यहाँ पे मांग रहे हैं, उसका जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है और उसका डीएलएड का यहाँ पे जानकारी देना है। तो इस तरह से आप जो है अपने क्वालिफिकेशन को ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो शारीरिक पहचान है, बॉडी में क्या पहचान है वो बताएंगे, और यहाँ मैट्रिक सर्टिफिकेट की जानकारी भरनी है। सर्टिफिकेट यहाँ देखिए सीधा लिखा हुआ है, तो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है ना वो देना आपको। तो सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर में ऊपर में सीरियल नंबर होता है, जब आपका सर्टिफिकेट मिला होगा ना उस पर लिखा नहीं रहता है, बिहार बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, उस पर लिखा नहीं रहता ये सर्टिफिकेट नंबर है, आपको ऊपर में जो है एक सीरियल नंबर आता है वो लिखेंगे, फिर इशू डेट और उसका जो है यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो ये जो है सर्टिफिकेट यहाँ मैट्रिक का मांग रहे हैं, जिस पर आपका डेट ऑफ बर्थ साफ सुथरा दिखता चाहिए। अब यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट कर देना है, ये जो भी पीडीएफ अपलोड करना है ये आपको 100 KB से कम होना चाहिए, पीडीएफ में होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब आपको यहाँ पे जो है लाइव फोटोग्राफ को कैप्चर करना है। ध्यान रहे, यहाँ का जो बैकग्राउंड होना चाहिए बैक वाला वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, यानी कोई सिंगल बैकग्राउंड होना चाहिए, और चेहरे पे लाइट अच्छा आना चाहिए ताकि आपका चेहरा सही से दिखे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सामने देखेंगे और यहाँ देखिए कैप्चर इमेज का ऑप्शन बनेगा, हम इस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इजिली यहाँ पे मेरा फोटो आ गया। अब हम यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा फोटोग्राफ क्या होगा, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये फोटो मैंने अपलोड किया ये गलत अपलोड कर दिया है, साफ सुथरा नहीं है, कोई दिक्कत है, तो यहाँ रीटेक का ऑप्शन है, यहाँ देखिए रीटेक पे क्लिक करेंगे ना तो रीटेक यहाँ पे हो जाएगा, देख रहे ना।
रिटेक पर करके यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। तो ऐसे आपको करना है, उसके बाद यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा और यहाँ पे ओके कर देंगे। अब यहाँ पे आपको जो है इंग्लिश सिग्नेचर और यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, फिर यहाँ नीचे में आपको डिक्लेरेशन करना है और यहाँ पे प्रीव्यू क्लिक करके एक बार देख लेना है कि जो भी आपने यहाँ पे जानकारी दिया है वो सब चीज़ सही है कि नहीं है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो प्रीवियस जाके सुधारेंगे, नहीं गलती है तो आप यहाँ पे फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे और इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी रख लेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझे होंगे 1 से 5 के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की समस्या हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आप अपना कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है, सुझाव है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप कहिएगा तो हम उसके ऊपर अलग से वीडियो लेकर आएंगे। अगर कोई भी आपका डाउट से कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।